जुनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़द होने वाली दो रोज़ा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स थंगता चैंपियनशिप इख्तिताम पज़ीर हुई। इस चैंपियनशिप में पुलवामा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिग्री कॉलेज त्राल के प्रोफेसर बशीर अहमद शाह मेहमान खसूसी के बतौर शामिल रहे। मुकाबलों में शमूलियत करने वाले खिलाड़ियों को बाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनामात से नवाजा गया, जबकि खिलाड़ियों ने ऐसे मुकाबलों को मुनक़द करने पर खुशी का इजहार किया। इधर कोच सजाद अहमद ने बताया कि ऐसे मुकाबलों से यहाँ के बच्चों को आगे जाकर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। और मेरे फ्रेंड्स मीर हुजैफा, सुनैना जावेद और लाइबा मुश्ताक, हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो ये थंगता चैलेंज हुआ है, हमें पता ही नहीं था कि ये कैसे खेलते, लेकिन जो मिस्टर सजा सर है इन्होंने हमें सिखाया ये कैसे खेलते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इसने गोल्ड मेडल, इसने सिल्वर मेडल और मैंने सिल्वर मेडल और इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहे क्योंकि इससे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बढ़ सकता है। हमने अभी तक ये देखा ही नहीं था कि थंगता क्या होता है, लेकिन आज जब हमने देखा हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मिस्टर सजा सर ने ये टूर्नामेंट रखा है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अभी तक हमने ये देखा ही नहीं था। आज तो हमारा कल तो पहला दिन था, आज तो दूसरा लास्ट दिन है, आज क्लोजिंग है मेडल सेरेमनी बच्चों के लिए। आज सबका रिजल्ट आएगा, किसने जीता है, किसने हारा है, और ऊपर से जिसने गोल्ड निकाला वो स्टेट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ उसके बाद वो नेशनल के लिए भी जाए और पार्टिसिपेट किया 600 बच्चों ने।